आने दो, समय आए, टाइम आ जाएगा। धन्यवाद। जी दीपेश सिंह जी कंटिन्यू। जो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल इलेक्शन मशीन बन गई, तो ये मालूम है कि हमें चुनाव कैसे जीतना। कांग्रेस पार्टी हमेशा शुचिता और ईमानदारी की राजनीति करती है। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई दिशा और दशा दिया है, जहां एक ओर झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, धोखे की राजनीति, वादा खिलाफी की राजनीति, जुमले की राजनीति किया जा रहा हो, वहां राहुल गांधी जी कि आप खुद आप देखिए, खुद एनालिसिस कीजिए कि कभी मैं भी राहुल गांधी जी के साथ मिलकर काम करने का बहुत सौभाग्य मिला है। वो एक ईमानदार सोच के व्यक्ति हैं, एक सच्चाई ईमानदारी, एक जो कांग्रेस की ईमानदारी जनता को नहीं भारी कांग्रेस पी सिंह जी। और रही बात जुमलेबाजी की, निश्चित तो चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़ी बात आपने शिवम भाई का, मैं शिवम भाई मैं आपके ही बात पे कहना चाहता हूँ, झूठ फरेब मक्कारी जालसाजी धुरतई लंपटई चोरी और चकारी ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है। और जब खुलता है ना तो बहुत तकलीफ दे होता है। आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल ये दिखाएगा कि 2019 में और ईवीएम पूरा कांग्रेस पार्टी पूरा संपूर्ण विपक्ष ईवीएम के खिलाफ हम सड़क पे आंदोलन करेंगे और इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेंगे कि आप इस पे गंभीर चिंता कीजिए, गंभीर इस पे जो है वो कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का, लोकतंत्र की हत्या करने का और लोकतंत्र को जो है इस तरीके से जो है हाईजेक करने हम 2019 में नहीं देंगे। मैं देख रहा था गुजरात में, क्योंकि जो हमारे बड़े भाई जो एसपी सिंह साहब कहते हैं और पूरा देश कहता था कि वहां पे गुजरात में भारत कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां के गुजरात के अस्मिता को जिस तरीके से वहां पे दांव पे लगाया है, गुजरात के लोगों का, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, गरीबों का जो हाल बदते बदतर किया है केवल झूठ बोल करके और चंद उद्योगपतियों को, चंद मीडिया हाउस को खरीद करके जो देश के लोकतंत्र का जो गला घोटा है, ये इसके खिलाफ कांग्रेस अब सड़क पे। कांग्रेस हमेशा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की पार्टी रही है, हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमने देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कभी देश के आजादी में इनका कोई सरोकार नहीं रहा है, जो देश के विकास में कोई सरोकार नहीं, केवल नफरत की राजनीति, केवल हिंदू और मुसलमानों में बांटने की राजनीति, केवल जो है लोगों को झूठ बोलने की राजनीति, आखिर इसका एक अंत होगा ही होगा। और आने वाले समय में 2019 तक पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके से जो 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 राजनीति करते हैं, जो केवल जनता को लूटने का, धोखा देने का और मुख्य मुद्दों से देश के लोगों का ध्यान भटकाने का जो काम करते हैं, असल मुद्दे पर राजनीति होगी, जो देश की जनता का जो नब्ज होगा, देश की जनता की जरूरत होगी, देश की जनता के जो हित में होगा। दीपू सिंह जी देखिए 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 आप इतना आक्रोशित होकर क्यों बता रहे हैं भाई? उनकी शैली है चुनाव लड़ने की, साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है, जीत और ये रण क्षेत्र में, इसमें ये नहीं होता है कि आप नैतिकता के पाठ पे चुनाव लड़ेंगे। जी नहीं नहीं, डीपी सिंह जी डंग जी कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। शुचिता और पारदर्शिता बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन ये सुनने में अच्छे लगते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। डंग जी बताइए। हाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि जब स्वतंत्रता भारत को प्राप्त हुई, हाँ,